माई चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में प्रिंसिपल स्ट्रेस के आधार पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट इन अ स्ट्रेसेस मटेरियल हैज टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 500 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कंप्रेसर स्ट्रेस ऑफ 350 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्टिंग एट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स एंड इक्वल शेयर स्ट्रेसेज ऑफ 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन दीज प्लेन्स फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेज एंड पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स फाइंड आल्सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एलिमेंट है जो जिसमें एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है दो डायरेक्शन में, एक 500 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है 350 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें गिवन लिखेंगे तो सिग्मा एक्स इक्वल टू ले लेंगे हम 500 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल, और सिग्मा वाई ले लेंगे 350 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव। इसके अलावा शेयर स्ट्रेस है 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब टाउ एक्स वाई इक्वल टू है 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये शेयर स्ट्रेस है। सो इससे हमने वैल्यू जो है वो दी हुई है, सिग्मा एक्स इक्वल टू दिया है 500 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल, सिग्मा वाई इक्वल टू 350 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव, एंड टाउ एक्स वाई दिया है शेयर स्ट्रेस 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये शेयर है। सो इसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं। तो सिग्मा वन और सिग्मा टू कहलाएगा इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो वी नो दैट कंबाइंड वाला फार्मूला लगा देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स हमको रखना है 500, सिग्मा वाई रखना है 350 कंप्रेसिव है इसलिए हम माइनस साइन में लेंगे इसको। सो इसको हम पुट करेंगे तो 500 प्लस माइनस 350 अपॉन टू प्लस माइनस अंडर रूट 500 माइनस माइनस 350 अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आ गया 75 प्लस माइनस 436.6 आ गया। वैल्यू निकालने के बाद इसके द्वारा हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है इसमें। तो सिग्मा वन इक्वल टू हो जाएगा 75 प्लस 436.6, सॉल्व किया तो 5116.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया टेंसाइल, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो ये माइनस साइन लेना है, नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो सिग्मा टू इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 436.6, तो आ जाएगा इसमें माइनस 1361.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया। अब पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स निकालना है तो थीटा वन थीटा टू निकालना है। सो आल्सो टेन टू थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 tau xy अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। वैल्यू पुट करेंगे सब मालूम है, सिग्मा एक्स ही मालूम, सिग्मा वाई की वैल्यू और टाउ एक्स वाई मालूम है। वैल्यू पुट करेंगे 2 into tau xy 100 अपॉन सिग्मा एक्स 500 माइनस सिग्मा वाई है माइनस 350। तो इसको सॉल्व किया, पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 0.2353। 10 को हम इस साइड ले आएंगे तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 0.2353। इसको सॉल्व करेंगे केल्सी से तो 13 डिग्री 14 मिनट आ जाएगा, और थीटा को हटाएंगे यहाँ से तो 193 डिग्री 14 मिनट आ गया। इसके अकॉर्डिंग इसका अगर हाफ लेंगे तो हमारे पास थीटा वन इक्वल टू 6 degrees 37 आ जाएगा, इसका अगर हाफ लेंगे तो थीटा टू इक्वल टू 96 degrees 37 minutes आ जाएगा, थीटा वन थीटा टू के फॉर्म में, इसका हाफ थीटा वन इसका हाफ थीटा टू रहेगा। इसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए फार्मूला होगा टाउ एक्स वाई में मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर कितना दिया है 5116.6 और माइनर है माइनस 361.6 हो गया, तो यहाँ 5116.6 माइनस माइनस 361.6 अपॉन टू, इसको सॉल्व किया तो आ गया 436.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकल आया।